हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड। इससे पहले हम जो है वो मीन के बारे में पढ़ चुके हैं। मीन क्या है, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स, उसके टाइप के बारे में। हम पढ़ते हैं आज मोड के बारे में। ये भी सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेजर है। जो क्या होता है, इट इज अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन। वो वैल्यू जो एक डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उसमें सबसे ज्यादा बार आई है, उसको हम बोलेंगे मोड। ऐसा बोलते हैं ना, एक ही मोड में चलता रहता है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुई है उसको हम बोलते हैं मोड। इसको एक एग्जाम्पल से समझे। सपोज आपको बताया कि डायस्टॉलिक बीपी जो है वो 5 पेशेंट्स का ऐसा है, लिखा हुआ दिया कि 80 है, 85 आया, 85, 70 और 90, ऐसा 5 पेशेंट का दिया। तो यहाँ पे मोड क्या हो गया, 85 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो 85 वहाँ पे आपका मोड हो गया। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके का कोई क्लास इंटरवल वाला स्कोर दे दिया, जैसे कि 142, 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, ऐसे क्लास दे दी और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं जैसे 1, 5, 10, 7 ऐसा। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे आप मोड बताइए। तो मोड जो होगा, मोड क्या है, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस क्लास की, तो ऑब्वियसली इसके बीच में ही मोड होगा। तो इन दोनों की जो सेंट्रल वैल्यू है, सबसे बीच की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इसका मोड बन जाएगी। ठीक है, अगर इस तरीके का डेटा हो, इन दोनों का जो मिडल पॉइंट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मोड, मतलब 152.5 वहां पे क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा आपका। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो आपका मोड बन जाएगा। ठीक है, मोड की मेरिट्स क्या है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डेटा दोनों के लिए एप्लीकेबल है और ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, अफेक्टेड नहीं होगा। कॉम्प्रीहेंसिव है, इजी टू कैलकुलेट है और ग्राफिकली आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन इसकी डीमेरिट्स क्या है, इल डिफाइंड है। ठीक है, क्लियरली कई बार आपको मोड के बारे में नहीं पता चलता, सभी ऑब्जर्वेशन को यूज ही नहीं करते हैं ये, इनमें ऑब्जर्वेशन सभी यूज नहीं हुई ना, सिर्फ इन दोनों को ही सोचा और निकाल लिया ऐसा। एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो अनसर्टेन होती है और मेडिकल जो स्टडीज होती है उसमें रेयरली यूज किया जाता है मोड को एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसकी कैलकुलेशन की अगर हम बात करें कि मोड को कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए। जब आपके पास डेटा अनग्रुप्ड हो, मतलब सबकी वैल्यू अलग अलग दी है, अनग्रुप्ड डेटा है तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना उसमें। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल दिया था उसमें, तो जैसे कि मोड जो होता है वो एक भी हो सकता है। हमने अभी बात की जो बीपी वाले एग्जाम्पल की, 80 है, 85, 85, 70 और 90 ऐसे आया, तो 85 यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मोड हो गया। ठीक है, एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं किसी सिचुएशन में। मतलब सपोज अभी इसी की बात कर लेते हैं कि 5 लोगों का बीपी देखा हमने डायस्टोलिक, तो 80, 80, 70, 85 और 85 अब दोनों वैल्यू आई है, तो यहाँ पे मोड क्या होगा, 80 भी मोड है और 85 भी मोड है। तो एक ऑब्जर्वेशन में हमारे पास एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है अनग्रुप्ड डेटा में विद नो मोड, कोई मोड ही नहीं है, जैसे 80, 85, 70, 78, 90 इस तरीके की वैल्यू आई, तो कहीं ये रिपीट ही नहीं हो रहा इसमें, तो यहाँ पे कोई मोड नहीं भी हो ऐसा भी हो सकता है। तो तीनों कंडीशन है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं या फिर कोई ना हो। ये हमने बात की अनग्रुप्ड डेटा की। अब हम बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा में। ग्रुप्ड डेटा क्या मतलब कि आपने बहुत सारे जो आपके पास ऑब्जर्वेशन थे उनको ग्रुप में डिवाइड किया हुआ, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एल मतलब जेड यानी मोड इज इक्वल टू एल प्लस FM minus F1 divided by 2 FM minus F1 minus F2 into I। यहाँ पे L क्या होगा हमारा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। अभी हम ये एग्जाम्पल से एक पढ़ेंगे।
FM क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F1 होता है मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 होता है मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब सक्सीडिंग वाली. और I का मतलब होता है क्लास इंटरवल. एक एग्जांपल से कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास एक डेटा है कि एज, हमने हॉस्पिटल में कहीं पे एक सर्वे जैसा किया कि इतने से इतनी एज वाले, 45 से 50 की एज वाले, 50 से 60 की एज वाले, 60 से 65 और 65 से 70 की एज वाले कितने पेशेंट हैं. आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ पे क्या हुए, 12, 20, 40, 16 और 12. अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 की है. तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको कहीं डाउट आए कि मेरा आंसर सही आया है नहीं, या जहाँ पे कैलकुलेशन वाला आया, तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किस में आ रही है, 40. तो आंसर हमेशा 55 से 60 के बीच में ही रहेगा, इतना तो कन्फर्म है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन यहीं की है. ठीक है, तो ये आपकी हो गई मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब लोअर लिमिट क्या है, 55. तो L यहाँ पे हो गया हमारा 55 प्लस. FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, 40. इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 डिवाइड बाय 2 FM. 2 FM 40 है हमारा, F1 20 है और F2 है हमारा 16. और इंटू आई, आई मतलब क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल कितना है, 45 से 50 के बीच में क्या, 5 है. तो 5, इनको आप कैलकुलेट करोगे तो 55 प्लस 20 डिवाइड बाई ये 80 है, माइनस इनको आप करोगे तो ये 36 इंटू 5. ऐसा अगर आप पूरा ये कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आता है 57.2 ईयर्स. 57.2 यानी आपका आंसर जो मोड आया है वो 57.2. देखिए इन्हीं के बीच में रिलाय करेगा हमेशा कि आपका आंसर सही है या नहीं, वो आपको यहाँ से ही पता चलेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर सपोज ये तो आपको अगर MD एग्जामिनेशन में अगर ऐसे आया है, क्वेश्चन फॉर्म में आया, तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा. अभी सपोज आप कहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए गए हैं, तो जैसा हमने बताया आपके पास ये और ये तो फॉर्मूला ये तो देख ही रखेंगे आपको. तो जो आंसर 40 सबसे ज़्यादा है इधर फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों के बीच का जो भी आंसर होगा वो होगा, ये डेफिनेट बात है. दूसरा, इन दोनों का मिडल पोर्शन ही होगा, मतलब 57 के आसपास वाला ही होगा. अब सपोज ऑप्शंस में 57.2, 57.4, 57.5, इस तरीके से जब आपको लग रहा है कि ये मिडल ही दिए हैं सारे, मतलब 57 से रिलेटेड ही हैं, लेकिन आगे पॉइंट्स चेंज हुए, तब वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा. जहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, टाइम कम है और आपको ऐसे ही टिक करना है, तो इन दोनों के बीच ही टिक होगा और मोस्टली मिडल वैल्यू ही आएगी, ऐसा ध्यान रखना है आपको. तो ये हो गया हमारा मोड. इसके बाद हम पढ़ते हैं मीडियन के बारे में. मीडियन क्या होता है हमारा, ये क्या है, जब सभी ऑब्जर्वेशन को आप या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, और सबसे मिडल जो ऑब्जर्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन. मीडियन के 50% ऑब्जर्वेशन राइट में होती है और 50% लेफ्ट में होती है, मतलब ये मिडल वैल्यू है हमारी. ठीक है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे कि आपको मैंने एक स्कोर दिया कि यही हम बात कर रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन दे दी कि जिनकी वैल्यू ये है. तो यहाँ पे मीडियन क्या हुआ, आपने असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगाया हुआ है इसको, तो 2 ऑब्जर्वेशन इधर रह गई, 2 इधर, तो जो मिडल ऑब्जर्वेशन है 3 क्या हुआ वहाँ पे, मीडियन हो गया. ठीक है, जब आपके पास ऐसा हो कि इवन नंबर्स हो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन नंबर आ गए, तो आपके पास 2 ऑब्जर्वेशन देखिए इधर है, 2 ऑब्जर्वेशन इधर और 2 ऑब्जर्वेशन बीच में रह गई, तो वहां पे आपको मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है, 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, यानी ये जो वैल्यूज है मिडल, इनका एवरेज निकाल लेना है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन क्या हुआ, 3.5. ऐसा जब ऑड है तो बहुत ईजी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे मिडल वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो आपका मीडियन है.
जब इवन नंबर है उनको भी असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, जो मिडिल की जो दो बच गई उनका एवरेज हमें निकालना है, दैट इज कॉल्ड द मीडियन। अब हम बात करते हैं इसमें, इसमें भी हम बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा के। ये अनग्रुप्ड की बात है जब आपको सभी वैल्यूज अलग अलग दी हैं। जब आपको ग्रुप्ड डेटा प्रोवाइड होगा तो उसके लिए उसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू, मतलब मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n बाय 2 माइनस m डिवाइड बाय f इंटू r। मतलब l क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ द मिडल मीडियन क्लास, n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, m क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू मीडियन क्लास, मीडियन क्लास तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड i इज द क्लास इंटरवल। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने कोई एक ड्रग एडमिनिस्टर करी है 100 पेशेंट्स में और वो अलग अलग डोजेज में दी है, जैसे 200 से 300 mg हमने एक ग्रुप में दी, एक ग्रुप में 300 से 400 mg के बीच दी है, एक को 400 से 500 mg के बीच, और 500 से 600 mg और 600 से 700 mg इतने में हमने दी। और नंबर ऑफ पेशेंट कितने पेशेंट को दी है, ये 10 पेशेंट को दी, ये 20 को, ये 50 को, ये 12 पेशेंट को और ये 8 पेशेंट को, और टोटल पेशेंट है हमारे यहाँ पे 100। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके लिए हमें निकालनी पड़ती है। जब भी मीडियन कैलकुलेट करना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमने ओगिव में भी पढ़ा था, जब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमने जहाँ पे पढ़ा है वो आप देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना। तो 200 से 300 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10। अब 400 वाले की 20 तो है ही है जो इतने के बीच है, लेकिन इससे पहले वाली भी ऐड हो जाती है तो यहाँ पे आ जाएगी 30। ठीक है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 80, इसकी 92 और लास्ट वाले की 100। मतलब 700 तक तो सभी ऑब्जर्वेशन काउंट हो गई ना, तो 100 इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मीडियन क्लास क्या हुई, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कहाँ है, सबसे ज़्यादा पेशेंट कहाँ, इस क्लास में। ठीक है, तो मीडियन क्लास है हमारी ये वाली। एल इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, तो एल हमारा क्या हो गया यहाँ पे 400। एन हमारा क्या है यहाँ पे, मतलब एन होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 400 माइनस टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 पेशेंट है हमारे पास। ठीक है, एम है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू मीडियन क्लास, मीडियन क्लास तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, ये मीडियन क्लास है हमारी, अप टू मीडियन क्लास कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 30, तो एम हो गया 30। फिर आता है हमारा एफ, एफ होता है हमारा फ्रीक्वेंसी इन द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी है 50 की, और इंटरवल हमारे पास कितना है 100 का इंटरवल है। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आएगा 440 mg। तो ये ध्यान रखना, ये हमने जैसे मोड में भी बात किया, सबसे ज़्यादा जो क्लास है उसी के बीच में आंसर आने वाला है इसका, और मेनली मिडल में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इधर उधर थोड़ा सा होता है आंसर। अगर सपोज आपको ऑप्शन टाइप का अगर क्वेश्चन आए हैं तो उसमें आंसर एक 300, एक 350 है, एक 600 है और एक इन दोनों के बीच की वैल्यू दी है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच की वैल्यू को ही आपको टिक करना है। अभी वैल्यूज इनके बीच की ही सारी दी हो तब आपको वहां पे कैलकुलेट करके देखना ही पड़ेगा कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो मीन को आप कैसे ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा में कैसे कैलकुलेट करते हो वो हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं मेरिट्स की। मेरिट्स मतलब इसके क्या फायदे हैं, क्या अच्छी बातें हैं मीडियन की। ये मीडियन क्या होता है, इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ये अफेक्ट नहीं होता। इसको आप ग्राफिकली भी शो करते हो और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा के लिए होते हैं, मतलब मोड और मीडियन दोनों तरीके के डेटा, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, और मीडियन आपको कहाँ यूज करना है, जब आपके पास क्वालिटेटिव डेटा हो, और क्वांटिटेटिवली जब जिसको आप मेजर नहीं कर पा रहे हो वहां पे आप मीडियन का यूज कर सकते हो। डीमेरिट्स क्या है, इट इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, ये अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्योंकि ऑल ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड नहीं करता, साइड वाली तो छोड़ देता है ना, मिडल की ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड कर रहा है, अर्थमेटिक मीन नहीं है ये, तो ये इसके डीमेरिट्स में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे जो है, मतलब कैसे जो अगर आपको किसी की लोकेशन बतानी हो तो उसके लिए और कौन कौन से मेजर्स हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी हमारे जो तीन है, मीन मीडियन मोड, इसके बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में जो है इसके बारे में और भी जो मेजर्स हैं
टेंडेंसी के, कि उनकी लोकेशंस को जो बता सके उनके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।